अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, क्या आपको एनचाकन यानी कि कैलिब्रेशन के बारे में मालूम है? अगर आपको कैलिब्रेशन के बारे में मालूम नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको इंचेस टेप की कैलिब्रेशन के बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कैलिब्रेशन और किन किन आलात की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है मेजरमेंट टेप की कैलिब्रेशन पर। दोस्तों, वैसे तो कैलिब्रेशन बहुत ज्यादा आलात की जा सकती है, उसमें मापने, तोलने या फिर दौड़ने वाले आलात की कैलिब्रेशन यानी के इंचाकन की जा सकती है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ जो गारमेंट सेक्टर के अंदर एक मखसूस किस्म का इंच स्टेप इस्तेमाल किया जाता है जिसकी लेंथ जो है वो 5 फुट होती है, उसके बारे में, ताकि आप बा आसानी ये समझ सकें कि इंच स्टेप की जो कैलिब्रेशन है उसको कैसे मेक श्योर किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझ लें कि कैलिब्रेशन किन किन अशिया को जो गारमेंट सेक्टर के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो कौन कौन से आलात हैं। मैं कोशिश करूंगा कि चंद एक आपको उनमें से बता दूं। तो दोस्तों, उनमें से पहला जो आला है वो होता है GSM का कटर, उसको भी आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मापने या तोलने वाला कोई भी आला, जिसको हम इलेक्ट्रिक या डिजिटल तराजू या फिर वेट चेक करने वाला भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि कैलिब्रेशन कहते किसको हैं। कैलिब्रेशन कहते हैं कि किसी भी आले को एक खास आले के साथ चेक किया जा सकता है जिसको पहले से कैलिब्रेट किया जाता है और इस चीज़ को मेक श्योर कर लिया जाता है कि ये जो आला है जिसके साथ अब हमने मुख्तलिफ आलात को, यानी एक ऐसी टेप है जिसको हमने कैलिब्रेट कर लिया हुआ है और इसकी मदद से अब जो दूसरी न्यू इंच टेप है जो कि हमने मार्केट से या फिर स्टोर से इशू करवाई हैं या ख़रीदी हैं या ली हैं, उनको कैलिब्रेट करना है। तो जो कैलिब्रेटर है जिसकी मदद से कैलिब्रेट की जाएंगी उसको कैलिब्रेटर बोला जाता है और कैलिब्रेट करने के अमल को कैलिब्रेशन यानी के इंचाकन बोला जाता है। तो दोस्तों, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक आम क्वालिटी चेकर सुपरवाइजर को ये चीज़ें कम ही मालूम होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये चीज़ें सब लोगों को मालूम होनी चाहिए कि इसको कैसे कैलिब्रेट किया जाता है और उसकी निशानदेही कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज क्योंकि हम इंच स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंच स्टेप को कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टील का स्केल चाहिए होता है जो कि 5 फुट का होता है। आमतौर पर यह स्केल आपको मार्केट से मिल जाया करता है, तो इस स्केल को भी कैलिब्रेट किया जाता है उस स्केल या उस पैमाने या फिर उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि पहले से कैलिब्रेट हुआ होता है। तो जब इस 5 फुट के स्केल को जो कि स्टील का है उसको कैलिब्रेट कर लिया जाएगा, तो उसके ऊपर टाइम, डेट और इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दिया जाएगा और उसको मुख्तस कर दिया जाएगा कैलिब्रेशन के लिए। दोस्तों, कैलिब्रेशन का जो अमल है वो वक्तन फोक्तन करना होता है, यानी वो हर एक अरसे के बाद, यानी 1 माह बाद 2 माह बाद 3 माह बाद, इस तरह के मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के बाद आपको वो करना ही होता है। आपको एक दफ़ा करने के बाद उसको वैसे ही छोड़ देना नहीं होता, क्योंकि किसी भी वजन करने वाली चीज़ में या फिर मापने वाली चीज़ में इस्तेमाल के दौरान कमी बेशी आ जाती है, तो इसलिए कैलिब्रेशन करते रहना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप एक वेस्ट बेल्ट की मेजरमेंट करते हैं नॉन कैलिब्रेशन टेप के साथ, तो उस मेजरमेंट टेप के अंदर जितना वेरिएशन होगा उतना वेरिएशन ऑटोमेटिकली आपकी वेस्ट में आ जाएगा, जो कि आप वक्ती तौर पर जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो गारमेंट्स वॉश होने के बाद प्रेजेंट किए जाएंगे तो जो वैल्यू आपकी बिफोर वॉश आ रही होगी वही वैल्यू अगर आपकी आफ्टर वॉश भी आए, इट मींस कि या तो आफ्टर वॉश वाले का जो आला है वो गलत है या फिर जो बिफोर वॉश चेक करने वाला जो आला है जिसको हम मेजरमेंट टेप बोल रहे हैं वो ख़राब है, यानी उसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई। इसलिए फैक्ट्री के अंदर जितनी भी टेप्स हैं, मेजरमेंट टेप्स हैं, उनकी कैलिब्रेशन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि चाहे वो बिफोर वॉश इस्तेमाल हो रही हो चाहे वो आफ्टर वॉश इस्तेमाल हो रही हो, तो उसकी कैलिब्रेशन जब हुई होगी तो दोनों की वेरिएशन जो है वो कभी नहीं आएगी, वो सही मेजरमेंट जो है वो बता रहा होगा।
तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरह से कैलिब्रेशन की जाती है। जिस स्केल के बारे में मैंने आपको बताया कि 5 फुट के स्केल को कैलिब्रेट कर लिया गया, उसके ऊपर टाइम डेट की एक स्टैंप लग चुकी है, स्टिकर लग चुका है और वो सील हो गया है। उसके साथ अब आप जो न्यू इंचेस टेप है उनको रखेंगे फर्स्ट सेंटीमीटर, जो पहला सेंटीमीटर है उस सेंटीमीटर के साथ आप इंचेस टेप के सेंटीमीटर को मैच करेंगे और थ्रू आउट खींच कर एंड तक यानी उसको बिछाएंगे और उस इंचेस टेप के पूरे साथ पैरेलल उसको बिछा देंगे। तो आपको ये देखना है कि उसका हर एक एमएम या फिर हर एक सेंटीमीटर जो है वो उसके साथ बिल्कुल स्टील वाले स्केल के साथ मैच होना चाहिए। अगर तो उसमें 1 या 2 mm का लास्ट पे जाकर फर्क आ जाता है तो वो आपका फिर भी कैलिब्रेटेड होगा, यानी वो आपका तस्लीम किया जाएगा सही इंचेस टेप में। लेकिन अगर उसमें 1 सेंटीमीटर कम या ज़्यादा का वो प्रॉब्लम आ जाता है कि स्टील के स्केल के साथ मैच नहीं होते तो वो आउट ऑफ कैलिब्रेट होगा, उसको आप रिजेक्ट कर देंगे, तो उसकी जगह आपको एक नया इंचेस टेप रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है इंचेस टेप को कैलिब्रेट करना या उसकी कैलिब्रेशन को क्रॉस चेक करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको इस वीडियो से फायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ फैजान, अस्सलाम वालेकुम।